तो ये थोड़ी है कि तेरी वीडियो देखने लग जाऊंगी अब मैं। यार यार कैसी बेइज्जती हो। मैंने ना, मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत अच्छा मिस्ट्री बॉक्स दिया है, ये गंदे गंदे प्रैंक्स नहीं किए मैंने इसके साथ। हेलो एवरीवन, आई एम चिल्बी एंड वेलकम टू माय बी हाइव। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अ मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। इट्स गोना बी सुपर डुपर एक्साइटिंग, इट्स गोना बी सुपर डुपर फन। सो इससे पहले मैंने कभी भी मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज नहीं लिया है और ना ही मैंने किसी क्रिएटर को दिया है। तो आई जस्ट वॉन्टेड के ये जो पहला मिस्ट्री बॉक्स है वो मेरी फ्रेंड के साथ हो, मेरे फेलो क्रिएटर के साथ हो। सो इस वजह से मैंने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को चूज किया है। उनके चैनल का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डोंट फॉरगेट टू चेक इट out. And if you're watching my face for the very first time and you're enjoying my vibe, then don't forget to subscribe to my channel Chilbi and hit the like button. And now, without wasting any more time, let's introduce you to my friend Shipra. Hi everyone, I'm Shipra. I make videos on fashion, lifestyle hauls and a lot more. So मुझे और शिप्रा को हो गया, I guess एक या डेढ़ साल हो गया हमें जाने हुए, दोस्त बने हुए, sort of YouTube best friends बने हुए, क्योंकि बस एक ही लड़की है जिसे मैं अच्छे से अपना friend बोल सकती हूँ, and that is her. So, इसका चैनल मुझे बहुत पसंद है, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया होता है एंड कंटेंट भी एकदम चुंबेश्वरी वाला होता है। सो डू चेक हर चैनल आउट एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो उसका जरूर जरूर जाकर देखना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अनबॉक्स द मिस्ट्री बॉक्स जो मैंने दिया था शिप्रा को। So yeah, let's do it. Also, guys, जो मैंने मिस्ट्री बॉक्स दीपांशी को भेजा था, AKA चिल्बी को भेजा था, that will be unboxed on my channel. जो वीडियो she link in the description box. Now ये डब्बा, मैं मजाक भी नहीं कर रही, ये डब्बा मुझे 4 दिन पहले डिलीवर हुआ था, एंड अगर इसने ये पैकेज का स्टिकर यहाँ नहीं लगाया होता तो मैं चीटिंग करके पहले से खोल लेती इसको, बट ये यहाँ लगा हुआ था। सो नाउ लेट्स जस्ट ओपन इट एंड सी इसके अंदर क्या क्या है। यस भाई, कैसी टेपिंग, इससे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट है भाई, बहुत क्या टेपिंग करी है, कहाँ से खोली इसको मैं, वो टूट जाता फिर, पता है अंदर कांच का सामान भी है, भाई कैसे खुलेगा ये समझ ही नहीं आ रहा। एक तो सीजर इतनी बड़ी है, बड़े गंदे तरीके से अनबॉक्स कर रही हूँ मैं इसको, मुझे बहुत ऐसे मजे आ रहे हैं पता नहीं क्यों। जब तू खोलेगी ना तब मुझे बहुत मजे आएंगे, क्योंकि तूने एक्सपेक्ट भी नहीं किया उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डाली है मैंने। सेम। दो चीजें हैं जो मैं बता दूंगी कि वो कब खोलनी है, बाकी तू रैंडम ऑर्डर में खोल सकती है। बहुत न्यूज़पेपर है, बहुत सारा न्यूज़पेपर है। आई डोंट यूज बबल रैप ज्यादा, सिर्फ कांच वाले पे बबल रैप होगा। मेरे को टिश्यू रैप दिख रहा है, एक व्हाइट कलर का, और उससे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है जो मुझे शायद समझ आ रहा है, ये मुझे समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा ये क्या है। हाँ तो यही खोल ले सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बड़ा ही क्रिसमसी, बहुत क्रिसमसी फील दे रहा है मुझे ये, मतलब एकदम क्रिसमस बॉक्स लग रहा है मुझे, क्रिसमस। हाँ ठीक है, इससे स्टार्ट करूँ मैं, ओके। ये मुझे पता है यार, मुझे पता चल रहा है मैं क्या खोलूँ इसको। अच्छा क्या है, गेस कर पहले कि क्या है। फ्रेंड्स का कुछ तो, फ्रेंड्स का कुछ तो, ओके कुछ तो क्या होता है, कुछ मुझे ना फ्रेंड्स का वो फ्रेम दिख रहा है मुझे, इसलिए समझ आ रहा है ये कुछ फ्रेंड्स का है, बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या। ओके कोई नहीं, लेट्स सी भाई, इसको ना खोलने में मेरी बैंड बजेगी, तूने इतनी टेप लगाई है, नॉर्मली टेप निकल जाएगा इसके ऊपर से, हाँ खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे, मैडम जी का एक स्टोर है ऑफ बैग्स, मतलब बहुत ही कूल बैग्स एंड वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वो भी जाकर देखना, बहुत अमेजिंग कलेक्शन है, बहुत ज्यादा। Yes. Okay. This is the first thing. क्या है ये वैसे? Friends का कुछ तो है। हाँ, friends का कुछ तो है। ये तो मुझे समझ आ गया। ये क्या धोखेबाजी है? ये बहुत बड़ी धोखेबाजी हो गई है मेरे साथ। This is और नाम भी इसका ऐसा ही है। पुचका। सच्ची में पुचका हो गया है मेरा सच में। यार। ये मुझे बहुत पसंद है। मैं तो इतनी खुश हो गई थी सच्ची में, मैं इतनी खुश हो गई इसके साथ, ये सच्ची में मेरा फुचका हो गया है, और कोई नहीं मैं इसको खाऊंगी। ये बहुत यम्मी होते हैं, मतलब बिल्कुल गोलगप्पे, स्ट्रीट फूड वाले गोलगप्पे हैं। मेरे को ना अभी भी बड़े मजे आ रहे हैं जी, बड़े मजे आ रहे हैं मुझे ना अभी भी, मैं सच्ची में जब मैंने देखा मेरे को यार ये कुछ तो फ्रेंड्स का यार मजा आ गया सच्चे में, मजा आ देख लेती पहले उसे, चल चल प्रॉपर्टी हो, हाँ गुड दिमाग, मैं सब कुछ बाकी का चेक करूंगी, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं भूल गई भाई, ना भूल गई मुझे फिजी टेक,
मुझे ध्यान आ गया फिजीटेक दोनों साइड गेस कर पहले ओह सॉरी यार इसमें से बल्ब बना हुआ है तो मुझे लग रहा है इसके अंदर लाइट है कोई ओके इसके अंदर ऐसे बल्ब बना फिर पुचकाना हो जाए मैं आगे से बल्ब का बल्ब होल्डर आ रहा है मैं अब ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ तुझसे तूने मुझे बहुत ही स्टार्टिंग में मैं मतलब उम्मीदों पे ऐसे फ्रेंड्स का कुछ तो फ्रेंड्स है खुश हो गई थी सच्ची में दिस इज फिजीटेक का मैंने बोला था इसके अंदर लाइट दिस इज फेरी लाइट्स मेरे वहां पे लगे हुए मैं चेंज करके अब ये वाली लगा दूंगी और ये स्टार वाली है ताकि हां और इसमें दो सेटिंग है मेरे ख्याल से एक ऐसे वो फ्लिकर वाली होती है वो है और एक नॉर्मल है शायद जहां तक मुझे लग रहा है हाँ. मुझे जो भी है बट मुझे लग रहा है दिस इज वेरी बहुत लंबी है ये मतलब बहुत लंबी वायर लग रही है मुझे मेरे जो बेड साइड पे वो लगी हुई है ना वो थोड़ी छोटी पड़ती है मुझे मतलब उसको उतार के मैं ये लगा दूंगी और ये स्टार्स वाली फॉर योर एस्थेटिक बेडरूम वेरी एस्थेटिक ये कौन नेक्स्ट ये मुझे लग रहा है कि मुझे समझ आ रहा है ये शीट मास्क ये मुझे समझ नहीं आ रहा हां मुझे समझ आ गया हां मतलब मेरे को तो पता ही है ये शायद शीट लग टच करके पता चल रहा है ये शीट मास्क है कुछ तो पता चल रहा है अब ये भी गलत हुआ ना तो शीट मास्क दिस इज टोनी मोली के दोनों शीट मास्क प्योर 100 मेरे को रेड जिंजिंग वैसे अच्छा लगता है काफी आई रियली लाइक दिस मैंने इसका फेस शॉप का ओहो मैंने फेस शॉप का ट्राई किया हुआ है वो बहुत अच्छा होता है ये मैंने कभी नहीं ट्राई किया मुझे ये वाला बहुत पसंद है पर्ल वाला आज ही ट्राई करूंगा ये मुझे पता है तो इसके पीछे ना बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है वो मैं बताऊंगी मतलब ज्यादा लंबी नहीं है हाँ अच्छा मेरी हर चीज के पीछे स्टोरी है हर चीज के पीछे स्टोरी है जोकर एंड विच ओह गेस कर पहले मेरे को इफ यू आर सेइंग इसके पीछे स्टोरी है ठीक है मेरे पास जोकर एंड विच का एक पेंडेंट है जो मैंने लास्ट ईयर मिंत्रा नहीं लास्ट ईयर मैंने नायका हॉल में शो किया था वो मैं लिंक कर दूंगी ऊपर तो बेसिकली मेरे पास जोकर एंड विच से सिर्फ एक चीज़ है आज तक दैट इज़ देयर ईविल आई पेंडेंट जो मैंने लास्ट ईयर खरीदा था और मैं अभी तक मुझे बहुत पसंद है वो अब इसमें उससे तूने स्टोरी बोला तो मुझे लग रहा है उससे रिलेटेड कुछ तो ये थोड़ी है क्या तेरी वीडियो देखने लग जाऊंगी अब मैं यार कैसी बेइज्जती हो ठीक है लेट्स सी ओ ओ ओ ओ मैंने बोला था वीडियो देखते हैं लोग लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकते मतलब बिल्कुल भाई मैंने एक एक वीडियो देखी मैंने मुझे पता है एक और चीज भिजवानी थी जो कि इसमें नहीं है चुपा चुप्स तेरे को पसंद है और वो मैंने तेरे किसी सरोजनी व्लॉग में देखा था तू बहन से लड़ रही थी कि मैं नहीं दूंगी और मैं ऐसे थी मैंने कहा ये तो लेना ही है मैंने अमेजोन पे देखे 400 रुपए का एक मैंने कहा है क्योंकि इतना तो भैया बजट भी नहीं है हमारा और हमने बजट डिसाइड करा था ये हम बताना भूल गए तो 5000 का बजट था जो मैंने तो बिल्कुल निभाया है एकदम बजट पे है मैंने भी मेरा मतलब थोड़ा सा 100-200 ऊपर नीचे हुआ होगा जो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट हाँ ऑलमोस्ट मीट किया है बजट मैंने मेरा बिल्कुल 5000 है सो या ये बहुत सारी चीजें हैं मतलब मैं चार चीजें खोल चुकी हूँ खत्म नहीं हो रहा है अभी तक तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं हिला के तो मैं मैसेज देखती हूँ जैसे पता नहीं समझ ही जाएंगे हाँ मेरे को यार ट्राई करने में क्या जाता है मतलब वैसे ये वो है मसाबा एक्स नायका मसाबा हाँ जान जान तुम मेरी जान जान तुम मेरी जान हो बहुत प्रिटी है कलर दिस इज लाइक पिंक मोव पर्पल पिंक हाँ पिंक और पर्पल दोनों मिक्स का मिक्स है ना ओ मेरे ओ मेरे को कलर मैं ऐसे कलर पहनती नहीं हूँ हाँ तू पहनती है इस वजह से ही भेजा है आई एम लाइक ब्राउन वाले शेड आई लव ब्राउन मैंने आज भी ब्राउन मैं सिर्फ वो पहनती हूँ मैंने पहले रेड लगाया और वो बिल्कुल एकदम ऐसे खून ही लाल वाला कलर होता है ना हाँ मैं कह रही हूँ तो गड़बड़ हो गई ये तो ज्यादा हो गया भाई अच्छा ये और ये है ये दो पैकेट्स हैं जो थोड़े से सॉफ्ट है ठीक है ये खोल देते हैं ये तो मतलब पता ही चल रहा है सॉफ्ट तो भाई कपड़ा ही होगा फॉर श्योर हे भगवान इनका गेसिंग गेम इंटेलिजेंट हो गई हूं मैं और कुछ नहीं है पहले से सदमा खाया है ना तूने फ्रेंड्स का कुछ तो है यार सच्ची में यार मैं यही गाती रहूंगी पिंक कलर का टॉप है मैं पिंक्स नहीं पहनती बाय द वे मैं बहुत कम पिंक्स पहनती हूँ ओह दिस इज पर्पल नॉट पिंक और ये बहुत मेरा साइज है ये हाँ मीडियम ही है लेकिन मैंने ये ऑर्डर करा था ब्लैक में और मुझे नहीं पता कि क्यों और कैसे ये पिंक में आया है और मैंने उन्हें बोला भी कि मैंने पिंक ऑर्डर नहीं करा था ब्लैक करा था
तो वो कह रहे कि नहीं आपका तो पिंक दिखा रहा है। मैंने कहा मेरे ऑर्डर में भाई ब्लैक दिखा रहा है, और फिर मुझे बॉक्स देना था तो मैंने दे दिया, बट मैंने ब्लैक ऑर्डर करा था। नाइस ओनली, क्योंकि मैं कभी पिंक पहनती, मतलब आई वेयर पिंक यस, बट दिस शेड मेरे पास, इस शेड में एक नहीं बहुत इससे डिफरेंट, मैं इस शेड में मेरे पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इसी में करने वाली हूँ। ठीक है, लेट्स ओपन। नेक्स्ट इज योर टाइप ओनली, मतलब मैं क्यों बता रही हूँ मुझे नहीं पता, बट तेरा टाइप का है बिल्कुल, मतलब रहा नहीं जा रहा मुझसे, नहीं रहा जा रहा है इससे, बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है। ये ब्लैक है ना? हाँ ब्लैक है ना? नहीं, क्या दिख रहा है तेरे को? मेरे को ये ब्लैक ही है ना? ओके, फन फैक्ट, हमने मतलब ये वीडियो स्टार्ट करने से 5-7 मिनट 10 मिनट आधे घंटे पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार क्या कपड़े पहनने हैं, सेम कलर पहनना है, डिफरेंट कलर पहनना है, एक मरून है और वाइट है। मैंने कहा ठीक है मरून मेरे को पता नहीं, वाइट मेरे पास फॉर शो। मैंने अपनी अलमारी खोली है, लेजिट मुझे सिर्फ ब्लैक कलर दिख रहा था, कपड़े नहीं है वाइट। तेरी वीडियोस में सिर्फ ब्लैक होता है, मतलब अब तूने ऑरेंज और ये सब डालना स्टार्ट करा है ना, हमेशा ब्लैक होता है, हमेशा ब्लैक होता है, मैं हमेशा रंग बिरंगे ड्रेस है। दिस इज ओ इसकी बैक अच्छी है। या ये क्या है? बैकलेस है, दिस बैकलेस काफी प्रिटी, और इसका नीचे फ्रिल भी है, ये अच्छा लग रहा है। ड्रेस बाय द वे जो कि अभी तक बताया नहीं गया है, मैंने बोला ये ड्रेस नहीं बोला, दिस इज अ ड्रेस जो कि पीछे से ऐसे बैकलेस है, और मेरी मम्मी हो जाएगी ये क्या पहन लिया, मेरी मम्मी का ऐसे संस्कार कहाँ है बेटा, कहाँ क्या क्या कर रहे हो तुम, संस्कार कहाँ है, टेस्ट हो सॉरी संस्कार यहाँ है। वेरी मतलब दिस इज समथिंग वेरी वेरी कैजुअल, मैं आराम से इसको ऐसे वाइट स्नीकर्स और कहीं हाँ जा नहीं रहे हैं, जाया नहीं जा रहा, बट ओटीडी वीडियो। ओके नेक्स्ट इज दिस प्रिंगल, सही है प्रिंगल का डब्बा लग रहा है मुझे, मैं क्यों बता रही हूँ यार, आई एम सो स्टूपिड, वी नो खोल ले मैं क्या करूँ, प्रिंगल्स नहीं, इट्स इंडियन प्रिंगल्स, इट्स इंडियन प्रिंगल्स, मैं खा लूँ क्या अभी? हाँ हाँ मैं बर्थडे बहुत गंदा था मम्मी, मुझे एक मिनट चाहिए जरा, मैंने ना मैं बता रही हूँ मैंने बहुत अच्छा मिस्ट्री बॉक्स दिया है, ये गंदे गंदे प्रैंक नहीं किए मैंने इसके साथ, तू क्या एक्सपेक्ट कर रही है मेरे से मुझे ये बता यार, मैं अभी मम्मी के साथ करूंगी रुक जा तू। भाई ये अंदर डालने में बहुत मेहनत लगेगी, तो आराम से डालियो, बहुत बहुत मेहनत लगती है, ये बहुत डरावना है सोच रही हूं, इस पर एक्चुअली में सांप बना हुआ है और वो इतना क्रीपी सा सांप है, मैं कभी मैं से बिल्कुल हाँ वो बिल्कुल रियल नहीं लगता, और इतना घटिया प्रिंट और इतना वो अजीब सा क्रीपी सा लग रहा है वो देखने में, मतलब कि क्या पकड़ा दिया, और अंदर बहुत हार्ड वाली स्प्रिंग है इसके, तो वो बस फोल्ड करने में बड़ी मेहनत है, सांस ले ले, मेरे को तो ऐसे धक धक हो रहा है, मजे आ गए, मेरी मेहनत सफल हुई, तभी तो मैं कह रही थी पहले तू खोल ना, हाँ तभी तो मैंने ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम देख प्लीज गो वॉच दी अदर वीडियो, यू विल सी मैं कितनी अच्छी, मैं इतना अच्छा मिस्ट्री बॉक्स बना के दिया ना इसको, ये लायक ही नहीं है सच में। नेक्स्ट चीज खोल लेते हैं, कोई बात नहीं थोड़ा रिकवर हो जाते हैं, ये कोई तो प्रोडक्ट है, कोई तो प्रोडक्ट है, वाओ इसके अंदर कोई टब वाला प्रोडक्ट, बाकी सारे भी प्रोडक्ट्स ही थे, नहीं मतलब इसमें कोई टब वाला प्रोडक्ट है, पॉन्ड्स नहीं, न्यूट्रोजीना, ये पॉन्ड्स है न्यूट्रोजीना है, सब बोल दिया जो है वो नहीं बोला मेरे ख्याल से, पॉन्ड्स क्योंकि पॉन्ड्स है न्यूट्रोजीना की पैकेजिंग सी, मतलब मैं पैकेट मैं डब्बा देख के बता देती हूँ क्या चीज है ये, मुझे तभी फ्रेंड्स का बोला गया था यार, वो तो धोखेबाजी थी, वो तो सच में धोखेबाजी थी, प्रिंगल्स प्रिंगल्स मैं भी खा लूं, मुझे चाहिए था, बिकॉज यू हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, वेरी ड्राई स्किन, आई हैव डन माय रिसर्च गाइस, आहा 10 पॉइंट्स फॉर दैट, 100 पॉइंट्स फॉर दैट, क्योंकि मुझे जेन्युइनली ये चाहिए था, क्योंकि ये आई थिंक क्लिनिक का समवॉट क्लोज ड्यूप है ऐसा आई हैव हर्ड, मेरे को पता नहीं है बट मैंने ऐसा सुना है कि ये क्लिनिक का बहुत क्लोज ड्यूप है, तो मुझे ये चाहिए था, और मैं सोच रही थी कि खरीदूंगी, थैंक गॉड मैं लेजिट मेरी कार्ट में पड़ा हुआ है, नायका की सेल चल रही है तो मेरी कार्ट में पड़ा हुआ है, मैंने बस ऑर्डर नहीं किया मैंने, नहीं तो बहुत बड़ा पोपट हो जाता मेरा तेरा दोनों का, बट नाइस नाइस, अब ये मेकअप उतार के यही लगाया जाएगा। ओके नेक्स्ट इज ये, इसके अंदर कुछ तो ग्लास जा रहा है ये मुझे पता चल गया है,
टच करके, बट मैं गेस नहीं करूँगी क्योंकि जितने मैंने अभी तक गेस किए वो सारे गलत हैं। हमने अभी 5 मिनट के लिए वीडियो कट ऑफ की थी क्योंकि मुझे तब धक धक हो रहा था, तब तक ब्रेक लेना जरूरी था। क्या पता इसमें अभी छुपकली वगैरह निकला है, मैं बता रही हूँ, जस्ट गेसिंग, मेरे को क्या पता। कंट्री बीन, ये तुमने कॉफी नहीं पी थी, देखो नहीं मैं कॉफी नहीं पी थी, ये कॉफी नहीं पी थी, ये मेरी बहन पिएगी। तो कॉफी नहीं पी थी? नहीं पता, मैं कॉफी नहीं पी थी, मुझे क्या पता, मैं कॉफी नहीं पी थी, ये मेरी बहन की फेवरेट है भाई। मुझे लगा था कॉफी तो भाई सब पीते हैं, आई नो हर इंसान पीता है, तो क्या पता आप इंसान ना हो, बट हाँ मेरी बहन की ये फेवरेट है, नॉट इवन किडिंग, वो हेज़लनट ही मंगाती है हर बार, तो ये तो उसी के पास जाने वाली है। नाइस, खुश हो जाएगी। मेरे पास इसका कैरेमल वाला है। हाँ तो अब मैं तेरी बहन के लिए भी मंगवाया एक्चुअली, मैं सिर्फ तेरे को नहीं देना चाह रही थी, यू नो आई एम या कितनी केयरिंग है, देखो बस तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे को क्या है भाई, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे भी, मेरे गिफ्ट इतने अच्छे नहीं, आराम से ब्रेन सेल्स काम करना बंद कर, मेरे गिफ्ट इतने अच्छे हैं आराम से गेस कर लेगी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। माइग्लैम, ये माइग्लैम है, पैकेजिंग तो माइग्लैम वाली है, हाँ आई थिंक सो, नहीं माइग्लैम मैंने कभी शॉप नहीं करा माइग्लैम, दिस इज, तुझे अपनी स्क्रंची देनी चाहिए था मुझे, फिर पेप को तूने किसी तब तक मेरा, मेरे को पता भी नहीं था कि मैं ये स्टार्टअप करने वाली हूँ, मुझे नहीं पता था। तो ऑलरेडी एक अपना स्टोर तो है ही, विच इज ऑफ दैट जंग, जो कि सिल्वर ज्वेलरी के लिए, एंड आई थिंक बहुत बार मेंशन किया होगा तूने, है ना। नाउ शी स्टार्टिंग अनदर स्टोर विच इज स्क्रंचीज, एंड द फर्स्ट थिंग लॉन्चिंग इज BTS की स्क्रंचीज, तो डेफिनेटली इफ यू आर अ BTS फैन, K-pop फैन, गो अहेड गेट सम। स्प्रिंग वाला है ना नाइस, क्योंकि यूजली स्क्रंचीज बहुत लूज हो जाती हैं, अगर ये लूज होगी तो मैं गर्म पानी में डाल के फिर ठीक हो जाएगी मेरी, नाइस चॉइस। मेरे को नहीं पता था ये वाली स्क्रंचीज भी आती है वैसे, ये इतनी महंगी है, ये अकेली 500 रुपीज की है, और मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा भाई भाई साहब, एंड आई एम लाइक सेलिंग स्क्रंचीज एट 129 मैक्स, हाँ ये 500 रुपए की, और मैं लिटरली हम ऐसे हो रहे थे कि भाई इसमें क्या ही लगा होगा कि 500 रुपए की है, तूने अमेज़न से मंगाई है टैग, हाँ हाँ Amazon, मैंने सब Amazon से मंगवाया है। तेरे को पता, ये तो डायरी है यार, ये तो डायरी है, स्प्रिंग है। अब मैं पहली चीज़ अच्छे से मैंने गेस करी है, बिना खोले बिना पैकेजिंग देखे, तो इस चीज़ का तो मतलब यार एक चीज़ में तो अप्रिशिएट कर दे यार, अप्रिशिएटेड। ओह फाइनली कुछ तो फ्रेंड्स का इसने मुझे दे दिया है, नाइस वेरी नाइस, दिस इज फ्रेंड्स की डायरी, आई एम वेरी हैप्पी अंदर से। ओह मैं इसमें कवर करूँगी आज भाई। बेसिकली मेरे पास 5 डायरीज हैं, क्योंकि मैं एक डायरी नहीं रख सकती, मैं किसी डायरी में ये वाली नहीं है ना, नहीं नहीं ये वाली नहीं है, मेरे साथ क्या होता है, मेरे पास कोई डायरी रखी होगी मुझे मिल जाएगी, मैं उसके अंदर लिख देती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ मैंने कहाँ क्या लिखा है, फिर मुझे दूसरी डायरी मिलती है मैं उसके अंदर लिखना शुरू, तो मेरे पास लिटरली 5 डायरीज के अंदर चीजें रखी हुई है, अब ये छठी में भी स्टार्ट हो जाएगी, बट अच्छी बात है। और मैं हमेशा, हाँ और मैं हमेशा नई मंगवाती हूँ कि नए से स्टार्ट करेंगे, जबकि उसमें सेपरेटर होते हैं कि तुम नेक्स्ट सेपरेटर से स्टार्ट कर सकते हो, जी नहीं पूरी नई डायरी आएगी उसमें फर्स्ट पेज से लिखा जाएगा। और द थिंग इज़ कि मेरे को इट्स नॉट लाइक कि मेरे को यू नो ऐसा है कि नहीं नहीं अभी मेरे को डायरी मिल नहीं रही है जिसमें मैं पहले लिख रही थी, इट्स मोर लाइक यार मुझे डायरीज ना अच्छी लगती है, तो मैं कह रही कितनी सुंदर डायरी, अमेज़न खोला डायरी अच्छी, इतनी सुंदर डायरी ले लेते हैं। मेरे साथ ये होता है, मेरा लेजिट आधा पैसा अमेज़न खाता है, आधा पैसा अमेज़न पे जाता है मेरा, तेरा तो जाता है, तो बोलूँ ही ना, तू तो मत बोल, तू तो मत, मैं अभी यही बता रही थी, IG से ज़्यादा अमेज़न का टाइम है मेरा, सही टाइम सही में। तो दिस वॉज द लास्ट थिंग, फाइनली फ्रेंड्स का कुछ तो मिला, यस मैं सैड हो जाती, तू मुझे फ्रेंड्स का नहीं देती तो अच्छी बता रही हूँ। अच्छा तेरे को वैसे लग रहा था कि कुछ होगा फ्रेंड्स का इस पूरे बॉक्स में, हाँ लग रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी यार, लेकिन फ्रेंड्स का तो होना चाहिए, तूने मुझसे स्पेशली पूछा था, फ्रेंड्स तो होना चाहिए यार। माय फेवरेट एंड माय लीस्ट फेवरेट, और यू कैन से आई हेटेड दिस, मैं बता रही हूँ ये चीजें मत करा करो बच्चों, प्लीज डोंट डू दिस, दिस इज दिल का दौरा पड़ जाएगा भाई, 5 मिनट तक मुझे क्या हो गया मेरे साथ ये, बट दिस वॉज नॉट माई फेवरेट, सॉरी, एंड ऑब्वियसली दिस इज माई फेवरेट बिकॉज ऑब्वियसली आई डोंट इवन हैव टू से व्हाई, सो थैंक्स। कूल, मतलब तूने लीस्ट फेवरेट निकाल दिया मेरे गिफ्ट्स में से, दैट वाज अ गिफ्ट टू यू, दिस शुड नॉट हैव बीन अ गिफ्ट इन द फर्स्ट प्लेस। जन से जो टूटे कोई सपना,
जग सुना शुड नॉट हैव बीन अ गिफ्ट इन द फर्स्ट प्लेस ऑनली. मेरे साथ हुआ नहीं है ऐसे कभी, मेरे को किसी ऐसे प्रैंक नहीं किया गिफ्ट के नाम पे, तो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ अब होगा. के साथ करती मैं तो बस वेट कर रही हूं वीडियो को हम खत्म करो मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज 2 में आगे भी सबके साथ करूंगी. तो या गाइस दैट वाज इट इन टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको मजा आया हो जितना मजा हमें क्यूरेट करने में आया और ये खोलने में आया जो धक धक हुई है पूरे मिस्ट्री बॉक्स में. एंड जो मेरा मिस्ट्री बॉक्स है जो मैं ओपन कर रही हूँ शिप्रा के चैनल पे, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना वरना बस समझ लेना क्या होगा. So yeah, I hope you guys enjoyed watching this video and if you did then you know what to do. Like this video, share this video and subscribe to my channel Chilbi and also to Shipra's channel which is mentioned in the description box down below. And I will meet you guys in an amazing video super soon. Till then, stay safe, stay home. I love you all. Bye.